आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बी प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है। तो इनिशियली रिएक्टेंट क्या है? CH3Br, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोमिथेन हम कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? AgCN के साथ करवानी है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ हमें करवानी है। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। अब हमें पता है कि CN नेगेटिव क्या है? एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है कि जिसमें अटैकिंग साइट जो है वो एक से ज़्यादा होती हैं। अटैकिंग साइट मोर देन वन, जो एक से ज़्यादा साइट से अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे अटैकिंग साइट कौन सी है? कार्बन की साइट से भी अटैक कर सकता है, ये नाइट्रोजन की साइट से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अब हमें पता है कि AgCN में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। AgCN में होती है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो ईजीली यहाँ पे नाइट्रोजन वाली साइट से बॉन्ड बन जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3NC, मतलब एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। लेकिन यही रिएक्शन अगर KCN की प्रेजेंस में होती, सपोज कीजिएगा CH3Br यही रिएक्टेंट था हमारा, इसकी रिएक्शन मैं KCN की प्रेजेंस में करवा रही होती, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तो कौन सा हुआ? CN नेगेटिव, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि KCN में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, KCN में होता है आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि CN नेगेटिव कौन सी साइट से अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखिए, CN नेगेटिव में अगर कार्बन वाली साइट से ये अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा देन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है? CH3CN, यानी कि एल्काइल साइनाइड, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रिएजेंट कौन सा है। AgCN अगर होता है तो आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट है हमारा ए। अब आइसोसाइनाइड इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? H2O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोलिसिस। अब एल्काइल आइसोसाइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमें? अमीन। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? CH3NH2, ठीक है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? CH3NH2, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। CH3NH, ये आंसर रॉन्ग हो गया। C2H5NH2, ये रॉन्ग हो गया। CH3COH, ये भी रॉन्ग हो गया। एल्काइल ये हाइड्रोलिसिस किस तरीके से प्रोसीड हुआ है अगर उसको भी हमें समझना है, तो देखिए CH3NC प्लस H2O, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? फर्स्टली हमें मिलेगा N एल्काइल मेथेनामाइड, तो यहाँ से ये हो जाएगा CH3NHC OH, ठीक है। इसके बाद फर्दर एसिडिक कंडीशन जब इसको मिलेगी तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है हमें? CH3NH2 अमीन मिलता है और साथ में एसिड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? HCOOH, क्लियर। और यही हाइड्रोलिसिस अगर हम साइनाइड का करवा रहे होते तो हमें क्या मिलता? फाइनल प्रोडक्ट। अगर हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता तो फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें एसिड मिलता, अमीन नहीं। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन 1। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।